नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श गुरु। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक प्लेलिस्ट के बारे में, जिसका नाम हमने सेल्फ ब्लॉगिंग रखा है, ठीक है ना। उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत हम कुछ ऐसे वीडियो लाऊंगा जो कि मेरे खुद से रिलेटेड होंगे, यानी सेल्फ ब्लॉगिंग के होंगे, ठीक है। और वो जो सेल्फ ब्लॉगिंग का वीडियो होगा वो मेरा कुछ का मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम से रिलेटेड होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा मतलब घर टेंगरा हुआ, ठीक है, और मेरे गाँव में मतलब प्रत्येक वर्ष दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर 3 दिन मतलब नाटक का कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है ना। और मैंने मतलब उसमें 2015 से मतलब पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, ठीक है। और पार्टिसिपेट करने के दौरान जो भी मतलब अच्छे मतलब वीडियो होते हैं या अच्छे तस्वीर होते हैं उसे मैं कैप्चर कर लेता हूँ, और उस तरह के सारे को इमेज को मिला करके उसे स्लाइड्स और वीडियो का रूप दे करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। और यूट्यूब चैनल के अंतर्गत जो आपका मतलब मैंने आपको नाम बताया सेल्फ ब्लॉगिंग, उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत लाऊँगा, ठीक है। तो इसके इसमें पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। 10th तक मतलब मुझे बहुत मतलब हिजिटेशन होता था, ठीक है ना। जैसे कि एग्ज़ाम के दौरान जैसे होता क्या था ना कि एक दिन मतलब ये भी रखा जाता था संगीत संगीत कला, ठीक है। उस संगीत कला के दौरान होता क्या था कि उस दिन आपको हर मतलब बच्चे को और मतलब लड़कियों को मतलब सभी को मतलब गाना गाने होते हैं, या फिर कोई भी यदि गर्ल्स है तो मतलब गीत गाएगी या जो भी गाना है गाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो गाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा होता था, ठीक है। और मेरा रोल नंबर अक्सर मतलब 2 होया करता था, ठीक है। 2 मतलब 2 में मेरा रोल नंबर होता था, ठीक है। तो होता क्या था, 1 में किसी लड़की का ना मतलब रोल नंबर होता था, और जैसे कि लड़की लोग तो पता ना कहाँ से मतलब सीख लिए होते हैं कि वो गीत जा करके गा देते, ठीक है। और मेरा मतलब 1 के बाद ख़त्म हुआ और मेरा दूसरा मतलब मेरा हो गया, ठीक है। और हमें इतना मतलब हिचुएशन था, ठीक है, कि मैं मतलब छोटा था मतलब गाना भी गा नहीं सकता था, ठीक है। मेरे अंदर बहुत ही हेजिटेशन था, ठीक है। लेकिन मतलब हमें कुछ ऐसे मतलब पल का मतलब सामना करना पड़ा जहां पर हमें अनुभव हुआ कि नहीं, मुझे भी मतलब माइक थामना चाहिए या फिर ऑडियंस के सामने कुछ मतलब बोलना चाहिए, क्योंकि हम मुझे ऐसे ऐसे पल को मतलब हमने मतलब महसूस किया है जहाँ पर मुझे खला मेरे अंदर कि नहीं, मुझे यहाँ पर आवश्यकता था, मेरे को बोलना चाहिए था, लेकिन हमने बोला नहीं, ठीक है ना। तो हमने मतलब 2015 से शुरुआत किया है जो कि मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो उस वक्त से मतलब जब मैं पार्टिसिपेट करने लगा तो मैं कुछ इस तरह से इन्वॉल्व हो गया कि जितना भी ज़्यादा मौका मिलता है मैं उस मौके को मतलब जाने नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं उस मौके का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाता हूँ, और उस मौके के फ़ायदा उठा करके मैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो अब जैसे कि 2015 से मतलब अब तक तो कम से कम 4-5 साल हो गए, अब तक मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मतलब आ गया, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात है कि अभी मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, किसी भी प्रकार का सीरियस काम हो या सीरियस मतलब स्पीच देना हो या किसी भी प्रकार का सीरियस कार्य करना हो स्टेज पर या किसी प्रकार का मतलब कुछ भी करना हो सीरियस, तो उस तरह का मतलब मैं रोल अच्छा से कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, किसी प्रकार का फनिंग या इस तरह का मतलब मेरे से नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा जो मोटो था ऑडियंस को मतलब फेस करना, वो मैं अच्छी तरह से अब कर लेता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी वीडियो मतलब हमने पार्टी जो भी मतलब वीडियो मैं लाऊँगा वो मेरा खुद का वीडियो होगा, ठीक है, जहाँ पर मैं पार्टिसिपेट किया होगा और वहाँ पर मैंने खुद कैप्चर किया होगा या मेरे दोस्त यार भी कैप्चर किए होंगे और वो मेरे को दिए होंगे वीडियो, तब जा करके वो वीडियो को मैं खुद से एडिटिंग करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत लाऊंगा, ठीक है, जिसका नाम है सेल्फ ब्लॉगिंग, ठीक है। तो मेरा मोटो ये था इस वीडियो के अंतर्गत कि जो भी मैं कुछ नया करता हूँ सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को, जैसे कि अपने सब्सक्राइबर मेरे दोस्त यार हैं, उन सभी को बताना मेरा फर्ज बनता है कि आपको इस चैनल पर आप कुछ मतलब इस तरह का मिलेगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों ये मतलब कुछ हम लोग का मतलब अभिन्न अंग होता है, ठीक है ना। आप जैसे कि मेरे खुद का मतलब एक तरह से मतलब जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। मैं चाह कर के भी मतलब इससे भाग नहीं सकता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आप मुझे इस तरह का सामना करना ही पड़ेगा। और मैंने सोचा कि चलो किसी प्रकार की कोई भी फेस्टिवल आती है तो दूर भागना क्यों, या फिर उससे मतलब दूरियाँ बनाना क्यों, उससे मतलब बहुत ही इंजॉय कीजिए और मतलब अच्छी तरह से जहाँ तक कोशिश हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें और इन्जॉय करते हैं। इन्जॉय के साथ साथ जो भी मतलब वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आज का मोटो मतलब यही था कि जो कुछ मैं नया करने वाला हूँ वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा, वो
वो मतलब मुझे बताने का मकसद था, ठीक है। बाकी का जो तो कंप्यूटर का नॉलेज जो मैं देना है वो तो मैं आपको पूरी तरह से दूंगा, ठीक है। जैसे कि यदि आप रेगुलर बनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वाकई में हाँ इस चैनल के माध्यम से वो सारा कुछ आप पा सकते हैं जो कि आप मेरे से अपेक्षा रखते हैं, ठीक है ना। और आप मेरे से अपेक्षा रख भी सकते हैं जैसे छोटे कोर्स से लेकर के बहुत बड़े बड़े डेवलपर का कोर्स का आप अपेक्षा हमसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रख दे कई मिनट के होगा।